किसानों की आय को बढ़ाए जाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, जिसके तहत वर्तमान में चल रही धान फसल की बिक्री को सरकारी दरों पर खरीदे जाने के निर्देश दिए गए, जिसके लिए सरकार द्वारा धान क्रय केंद्रों की स्थापना की गई। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से अपील की गई कि वो अपना धान सरकारी खरीद केंद्रों पर ही बेचें, जिससे कि उन्हें फसल का उचित मूल्य मिल सके। इस संबंध में सोमवार को जिलाधिकारी सदर रमेश चंद यादव नायब तहसीलदार के साथ मंडी समिति परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंडी सचिव राजेश यादव से वार्ता की। इसके बाद धान क्रय केंद्रों पर पहुँचे, उन्होंने क्रय केंद्रों को निर्देश दिए कि सिर्फ किसानों का ही धान ही क्रय केंद्रों पर खरीदा जाए, इसमें अनियमितता पाई गई तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने इसके बाद आए हुए किसानों से बात की, वहीं कुछ किसानों द्वारा सही जानकारी न दिए जाने पर उन्हें फटकार भी लगाई गई और कहा बिचौलिए खरीद केंद्रों पर धान नहीं बेच पाएंगे। एक किसान का रजिस्ट्रेशन न होने पर उन्हें फौरन प्रभाव से किसान के अभिलेख चेक करते हुए उसका धान खरीद जाने के निर्देश दिए। वहीं मौजूद केंद्र प्रभारी अपर्णा अवस्थी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के आधार पर किसानों को टोकन दिए जा रहे हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित किया जा रहा है, जिससे कि किसानों को अपनी फसल की बिक्री के लिए ज्यादा देर तक मंडी में ना रुकना पड़े और उनकी फसल की बिक्री उचित मूल्य पर आसानी से हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।